नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से। मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में आज का टॉपिक है भारतीय समाज में परिवर्तन एवं रूपांतरण पर चर्चा करेंगे। भारतीय समाज में परिवर्तन एवं रूपांतरण। भारत में स्वतंत्रता से पहले तक सांस्कृतिक अभिसरण के फलस्वरूप होने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की गति बहुत धीमी रही। इस कारण इसे केवल सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति के रूप में ही देखा जाता है। स्वतंत्रता के बाद यहाँ सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई है। फलस्वरूप सन 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक योजना आयोग का गठन करके सन 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था को पुनर्संगठित करने के व्यापक परिवर्तन आरंभ किए गए हैं। विभिन्न विकास कार्यक्रम, नए सामाजिक कानूनों, शिक्षा के प्रसार तथा एक समताकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण भारत की परंपरागत सामाजिक संरचना और संस्थान में तेजी से परिवर्तन होने लगा। इसी दशा को हम भारतीय समाज में होने वाला सामाजिक रूपांतरण कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक रूपांतरण की इस प्रकृति को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। नंबर एक, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन। सामाजिक संरचना के निर्माण में सामाजिक संस्थाओं तथा विभिन्न वर्गों के परिस्थिति और भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। भारतीय समाज में विवाह, परिवार, जाति व्यवस्था तथा स्त्रियों की स्थिति और भूमिका में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। नंबर एक, विवाह संस्थाओं में परिवर्तन। एक विवाह का प्रचलन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के फलस्वरूप हिंदुओं में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन पूरी तरह समाप्त हो गया। अब कोई भी व्यक्ति एक जीवन साथी के होते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता। एक से अधिक पत्नियां रखना कानूनी दृष्टिकोण से अपराध है। विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन। परंपरागत रूप से हमारे समाज में विधवा पुनर्विवाह को एक समाज विरोधी कार्य के रूप में देखा जाता था, जिसके लिए जाति पंचायत द्वारा कठोर दंड देने की व्यवस्था थी। नए अधिनियमों के द्वारा विधवा पुनर्विवाह में आने वाली कानूनी कठिनाइयां दूर हो गईं। धीरे धीरे लोगों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन होने से आज विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन तेजी से के साथ बढ़ रहा है। बाल विवाह का नियंत्रण। हिंदू समाज में बाल विवाह के कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। नए सामाजिक विधानों के द्वारा लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित हो जाने से बाल विवाह को एक अपराध के रूप में देखा जाने लगा। अनेक पिछड़े हुए समुदायों में आज भी बाल विवाह का प्रचलन है कि लेकिन सामाजिक विधानों के प्रभाव से बाल विवाहों की संख्या में तेजी से कमी हो रही है। अंतरजातीय विवाह। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के फलस्वरूप अब विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग आसानी से विवाह कर सकते हैं। इसमें विवाह पर परिवार के एकाधिकार में कमी हुई तथा लोगों को अपनी इच्छा से जीवनसाथी का चुनाव करने के अवसर प्राप्त हुए। अंतरजातीय विवाहों के विलंब विवाह को भी प्रोत्साहन मिला। विवाह विच्छेद की सुविधा। परंपरागत रूप से हिंदू विवाह को तोड़न सामाजिक और धार्मिक नियमों के विरुद्ध था। अप्रत्यक्ष रूप से इससे स्त्रियों के शोषण में बहुत वृद्धि हुई। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा पति पत्नी को कुछ विशेष दशाओं में विवाह विच्छेद के अधिकार दिए गए हैं।
फलस्वरूप पुरुष द्वारा अपनी पत्नी को छोड़ना, उसे भरण पोषण की सुविधा से वंचित करना अथवा उसका उत्पीड़न करना संभव नहीं रह गया। विवाह के क्षेत्र का विस्तार। हिंदू विवाह से संबंध अनेक नियमों के कारण विवाह संबंध स्थापित करने का दायरा बहुत सीमित था। अंतर विवाह, कुलीन विवाह तथा गोत्र और प्रवर से संबंधित नियम जीवनसाथी के चुनाव में आने वाली प्रमुख बाधाएं थी। नए कानूनों के द्वारा ऐसे किसी भी नियम को स्वीकार नहीं किया गया, इससे विवाह के क्षेत्र का विस्तार हुआ। दहेज प्रथा का नियंत्रण। दहेज निरोधक अधिनियम के पारित होने से दहेज लेना और देना एक कानूनी अपराध हो गया। यह सच है कि हमारे समाज में दहेज का प्रचलन आज भी बहुत कम बना हुआ है, लेकिन अब इसकी खुलेआम मांग करना हमारे समाज में दहेज का प्रचलन आज भी बन गया है लेकिन अब इसकी खुलेआम मांग करना अथवा दहेज के आधार पर सार्वजनिक रूप से विवाह संबंध को तोड़ देना संभव नहीं है। धीरे धीरे जनसाधारण की मनोवृत्तियों में भी दहेज के प्रति परिवर्तन होने लगा है। बेमेल विवाह की समाप्ति। हिंदुओं में कुलीन विवाह तथा दहेज प्रथा के कारण बेमेल विवाह एक गंभीर समस्या बन गई थी। लड़की के माता पिता 14-15 वर्ष की कन्या का एक 50-60 वर्ष के कुलीन जाति के रूप में विवाह करना पुण्य कार्य के रूप में देखने लगे थे। दहेज ना दे सकने की दशा में भी अक्सर लड़की के माता पिता को बेमेल विवाह के लिए बाध्य होना पड़ता था। नए अधिनियमों के प्रभाव के लिए लड़की के माता पिता विवाहों का प्रचलन लगभग समाप्त हो चुका है। वैवाहिक जीवन में स्थिरता। नए सामाजिक विधानों के प्रभाव से हिंदुओं का वैवाहिक जीवन पहले की तुलना अधिक व्यवस्थित और संतुलित हो गया। कानून द्वारा पति पत्नी को न्यायिक पृथक्करण की सुविधा मिल जाने से वे विवाह विच्छेद के बिना एक दूसरे से अलग रहकर अपने मतभेद दूर करने का अवसर पा सकते हैं। अधिनियम के द्वारा पागल, कोड़ी और गुप्त रोग से पीड़ित लोगों के विवाह का प्रतिबंध लग जाने से बहुत सी स्त्रियों का जीवन नष्ट होने से बच गया। नए अधिनियमों के विवाह संबंधी रूढ़िगत मनोवृत्तियों को बदलकर भी उनके वैवाहिक जीवन को स्वस्थ बनाने में योगदान दिया। विवाह के नियमों में एकरूपता। भारत में स्वतंत्रता से पहले तक दाय भाग मिताक्षरा संबंधित परिवारों में विवाह के नियमों में एक दूसरे से अलग अलग थे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा सभी हिंदुओं के लिए विवाह के एक समान नियम लागू किए गए। इससे देश में वैवाहिक समानता बढ़ी। विवाह में धार्मिकता की कमी। कुछ समय पहले तक हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार था, इसे तोड़ना एक अधार्मिक कार्य था। विवाह को तो दो व्यक्तियों का ही नहीं दो परिवारों का संबंध माना जाता था। नए कानूनों के प्रभाव से अब हिंदू विवाह में समझौते और सुविधा के तत्व बढ़ने लगे। इसे पूरी तरह से एक धार्मिक संस्कार के रूप में नहीं देखा जाता है। नंबर दो, परिवार की संरचना में परिवर्तन। भारतीय समाज के परिवार की परंपरागत संरचना में व्यापक परिवर्तन हुए। समताकारी व्यवस्था को प्रोत्साहन। सामाजिक विधानों के प्रभाव से हिंदू परिवार व्यवस्था पहले की अपेक्षा अधिक संगठित और समताकारी हो सकी। स्त्रियों को पुरुषों के समान संपत्ति अधिकार मिलने, बहुपत्नी विवाह समाप्त होने, बाल विवाहों में कमी होने, दहेज के आधार पर स्त्रियों के शोषण पर रोक लग जाने अथवा विधवा पुनर्विवाह में वृद्धि होने से परिवारों में स्त्रियों और पुरुषों के संबंधों में समानता बढ़ी। परिवार के संस्तरण में परिवर्तन। वर्तमान परिवार में स्त्रियां ना तो परिवार के पुरुष सदस्यों की सभी गलत इच्छाओं को मानने के लिए बाध्य हैं और ना ही उनकी स्थिति पूर्णतया पुरुषों के अधीन है। परिवार में विवाहित स्त्रियों के अधिकार बढ़ने के साथ अविवाहित लड़कियों को ही सम्मानपूर्ण स्थान मिलने लगा है। हिंदू परिवार की संरचना में होने वाला यह एक उपयोगी परिवर्तन है। संयुक्त परिवारों का विघटन। नए कानूनों
के प्रभाव से परिवार के सभी सदस्य को पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से का अधिकार मिल जाने के कारण जैसे जैसे संपत्ति का विभाजन बढ़ता गया, संयुक्त परिवार के स्थान पर केंद्रीय परिवारों की संख्या में वृद्धि होने लगी। सामाजिक अधिनियम से उत्पन्न नई दशाओं के फलस्वरूप स्त्रियों तथा परिवार के युवा सदस्यों की मनोवृत्तियों भी संयुक्त परिवार के पक्ष में नहीं रही। इससे भी संयुक्त परिवारों की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।